और उसमें अभी जो जनता के बीच में अतिक्रमण के नाम पे प्रशासन ने जो तोड़ फोड़ के कराऊंगा। और दूसरे सबसे बड़ी समस्या ये है वृक्ष लगा के इस करूंगी, जैसे सब कहते हैं कि नैनीताल मसूरी। विकास होगा उसको एक माध्यम बनाएंगे और उसी की कड़ी थी उसके चुनाव में हो और क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके और यहाँ के जो और उसके बाद भी जनता ने आप पे विश्वास होंगे और उनका जो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो रहा था वो वापस कैसे सबसे लहर हुई, मुख्यमंत्री ही हार गए दो सीटों से, प्रधानमंत्री की जो पार्टी थी, कोई भी नेता जो आज बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि जनता के साथ सदैव सदैव कांग्रेस जनता इस समय सबक सिखाए। मेरा मानना है आज तक जो है लोग ज्यादातर निर्दलों के पक्ष में ज्यादा वो जी सकता है। कौन होगी टिहरी नगर पालिका की भावी अध्यक्षा, किसके सर सजेगा अध्यक्षा पद का ताज? आपके अपने प्रिय ऑनलाइन चैनल ने प्रत्याशियों के साथ साथ जनता से जानी उनके मन की बात। देखिए यूके लाइव की एक पड़ताल आपके प्रिय चैनल यूके लाइव के साथ। पीडीएफ के हम दो पांच छह लोग थे जिसमें कि आज मैं पीडीएफ को लेकर चल रहा हूँ और पीडीएफ एक हमारा संगठन है और मैं इस संगठन को पुनर्जीवित कर रहा हूँ और भविष्य में पीडीएफ के माध्यम से जो इस प्रदेश का विकास होगा उसको एक माध्यम बनाएंगे और उसी की एक कड़ी थी उसकी एक प्रत्याशी है शकुंतला नेगी। नई टिहरी में जितने भी डेवलपमेंट के जो विकास के कार्य हुए और जो अवरुद्ध हो रखे हैं उनको एक गति कैसे दी जाए, दूसरा यहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार इनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में हूँ और जनता मुझे विश्वास है कि जनता रोजगार के और विकास के मुद्दे पे जरूर हमारा समर्थन करेगी, हमारी पार्टी को बहुमत देगी ताकि हम क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें और यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार प्रक शिक्षा की ओर रोजगार की ओर उनको ले जा सकें। आपने भी मंत्री रहते हुए काफ़ी काम करवाए और उसके बाद भी जनता ने आप पे विश्वास नहीं किया, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए वो क्या कारण थे, पीछे वो समीक्षा हमने की, हमने पाया कि जो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक शिफ्ट करवाया बीजेपी की तरफ, यहाँ पे जिस ढंग से कांग्रेस आज पिछली विधानसभा 300 वोटों पर सिमट करेगी, मैं समझता हूँ कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस के क्या हाल होंगे और उनका जो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है वो वापस कैसे लाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये। लेकिन मैंने जितने काम किए मैं उन काम के आधार पर जनता के पास जा रहा हूँ, नौजवानों के पास जा रहा हूँ, बेरोजगारों के पास जा रहा हूँ, वो समर्थन दे रहे हैं और जो पिछली बार पूरे देश में जिस ढंग से लहर हुई, मुख्यमंत्री जी हार गए दो सीटों से, तो उस समय मुझे भी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है कि क्या क्या कारण थे, वो राष्ट्रीय स्तर के कारण हैं, कहीं ईवीएम के कारण हो सकते हैं, कहीं प्रधानमंत्री की जो छवि थी सो कॉल्ड जो उनकी छवि थी वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जनता सब कुछ देख चुकी है और आने वाले समय में समझता हूँ कि पीडीएफ एक तीसरी शक्ति के रूप में उत्तराखंड में उभरेगी। देखिए कांग्रेस का तो हमेशा विकास का मुद्दा रहा है और टिहरी पर जब संकट आया तो अकेली कांग्रेस पार्टी थी, कोई भी नेता जो आज चुनाव लड़वा रहे हैं उनमें से कोई भी नेता जनता के हित के लिए आगे नहीं आया। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने उस डोजर के आगे वो लेट गए और उन्होंने जनता के लिए कुर्बानी करने को भी तैयार हो गए। तो हमारा मुद्दा तो विकास का मुद्दा होता है, जनहित के मुद्दे होते हैं और जनता के साथ सदैव सदैव कांग्रेस
जनता के संकट में खड़ी रही, उनके सुख दुख में खड़ी रही, और आज पूरी जनता का रुझान कांग्रेस के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी को नस्ते नाबूद जो उनको देश को करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं जनता इस समय सबक सिखाएगी। पहले तो मैं आपको आपके चैनल को बधाई देना चाहती हूँ भैया, और मेरे सामाजिक जन मुद्दे हैं, मैं आम जनता से, मेरे साथ किसी बड़े लीडर का हाथ नहीं, कोई नहीं, मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है, और कम से कम 3-4 साल से हम इस उस पे लगे हुए थे प्रोसेस पे। मेरे मुद्दे ये है, सबसे पहले तो महिला शौचालय सबसे पहला मुद्दा मेरा ये, आप कोर्ट में चले जाए, आप बाजार में चले जाए, कहीं पे एक भी महिला शौचालय नहीं है, जो है भी बहुत बुरी स्थिति में है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि पानी का, जो हनुमंत राय कमेटी ने हमें 100 यूनिट पानी पर उसको देने का वादा किया था। दूसरा मेरा ये कि मैं उसमें कोर्ट तक जाऊंगी लड़ने के लिए। तीसरा हमारा पानी का कि हमें पानी फ्री दिया जाए, कम से कम विस्थापित लोगों को। मुझे क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब मैं टिहरी के एक एक घर और एक एक मोहल्ले में गई, तो अपार जन समर्थन के साथ, जैसे कि मेरी बहनें आज मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं, बहुत अपार प्रेम भी उनका मिल रहा है। वो सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस टिहरी शहर का विकास कर सकती है। यहाँ के एक एक मुद्दे, बिजली, पानी, सीवर और ड्रेनेज जो सिस्टम आज इतना ख़राब हो रखा है, सारी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अतिक्रमण यहाँ का बहुत मेन मुद्दा है कि अतिक्रमण की मार हाईकोर्ट के आदेश पर टिहरी के लोगों ने झेली है, उसका समाधान भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे तो कई मुद्दे हैं, और उसमें अभी जो जनता के बीच में गई उसमें प्रमुख मुद्दा तो जनता ने ये बताया कि अभी जो अतिक्रमण के नाम पे प्रशासन ने जो तोड़ के उसे जनता बहुत दुखी है, और तो मैंने जनता को आश्वासन दिया कि मैं कानूनी दायरे में रहकर कानूनी तरीके से उसका समाधान करूंगी, और जो छोटे व्यापारी अतिक्रमण के उसमें तोड़फोड़ उसमें प्रभावित हुए उनके लिए स्थायी और पक्की व्यवस्था कराऊंगी। और दूसरे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे कूड़े की समस्या सबसे बड़ी है, तो कूड़े का मैं रिसाइकलिंग कराऊंगी, और जो खाली और बंजर भूमि है उसमें मैं फलदार छायादार वृक्ष लगा के इस नगर को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करूंगी। और मेन मेरे को जो मैं अभी जनता के बीच में गए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आ रही पलायन की। अब पलायन की वजह से क्या, हमारे 13 वार्ड थे, 13 वार्ड में से अब केवल 11 वार्ड रह गए, और वो पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पे पर्यटन विकसित होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसे विकसित करूँगी। जैसे सब कहते हैं कि नैनीताल, मसूरी, उससे भी इसे अच्छा, खूबसूरत और समृद्धशाली बनाना है, ताकि यहाँ के पलायन रुक सके और जो लोग पलायन कर चुके वो वापस आए। सबसे पहले तो ये भाजपा की एक वरिष्ठ नेत्री रही हैं, और साथ ही जो हमारे बड़े भाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और वो मतलब मेरे बहुत मतलब सहयोगी भी थे, उत्तराखंड नादों में उन्होंने बहुत सहयोग किया, और कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हर समय मदद करते थे। दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है। इन सब को लेकर के, और साथ ही जिस प्रकार भाजपा ने जब टिकट वितरण हुआ और पैनल में दीदी की हमारी सुषमा उनियाल जी का नाम पार्टी में नहीं भेजा, इससे दुखी होकर के, और दीदी के जो 34 वर्ष का जो बीच भाजपा में अच्छा कार्यकाल रहा है, वो उपभोक्ता फोरम की मेंबर भी रही हैं, जो उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, बड़ी व्यवहार कुशल हैं, एक अच्छे फैमिली की लेडीज़ हैं, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी भी है, ये सबको दृष्टिगत करते हुए और जन भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए हमने अपनी पार्टी भाजपा से त्यागपत्र दे करके विद्रोह किया, और हम आज सुषमा उनियाल जी को अधिक से अधिक मतों से जिताने के लिए प्रयासरत हैं, और जनता से भी अपील है कि हमारी प्रत्याशी सुषमा उनियाल जी को भारी मतों से विजयी बनाते हुए घंटी के चुनाव निशान पर मोहर लगाएंगे। इस समय जो है सरकार विरोधी माहौल है, और जो जनता का प्यार पाएगा वो जीतेगा इस समय। तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने के ज़्यादा चांस हैं? हम जनता का जिस पर प्यार होगा वो निर्दलीय उम्मीद की ज़्यादा चांस है, मतलब सरकार अब कांग्रेस का हो या अदरवाइज दूसरा हो, जीतना उसने ही है। पार्टी जीतेगी, जो बीजेपी है वो जीतेगी, क्योंकि जो है जनता को ये एहसास हो रहा है अतिक्रमण आगे भी बढ़ेगा, तो उसके कारण
जो रूलिंग पार्टी जो सत्ता में है वही रुकवा सकती है, इसलिए जनता सारी जो है बीजेपी के पक्ष में वोट डालने जा रही है। कैंडिडेट जो है स्थानीय हो साहब, जो कि इस शहर के समस्याओं को देखे। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है जैसे निर्दलीय कैंडिडेट ज्यादा जीत सकता है कि ये जो है पार्टी बेस पे जीता जा सकता है? पार्टी बेस वालों ने तो खर्चे बहुत करने हैं, खर्चे करने हैं उन्होंने बहुत, जिनको टिकट मिला चाहे कांग्रेस से मिला या बीजेपी से मिला, उनको उन्होंने तो ऊपर से जो उनको मिले उन्होंने तो खर्च तो करने ही हैं। लेकिन ये है कि बस मेरा तो यही सवाल है, जो स्थानीय नेता हो जो शहर की समस्याओं को समझे उसे निर्दलीय जीते। नहीं तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय मतलब कैसे आपको लगता है कि निर्दलीय ही यहाँ पर जीतेगा? निर्दलीय यहाँ पर कार्य क्षमता में सक्षम है, बाकी पार्टी वाले पार्टी वो अपने सक्षम में अलग हैं। पार्टी तो अपने हिसाब से देगी जो भी अपना सक्षम देगी, पर जैसे निर्दलीय के हिसाब से ये कि निर्दलीय में जो वक़्त है वो निर्दलीय की वक़्त है, यहाँ पर अन्यथा किसी की वक़्त नहीं है यहाँ पर। देखो हमारा ऐसा है कि हमारे जो जन समस्या को समझता है तो हमारा एक ही प्रत्याशी है सीमा किरसाली जी, हमारी प्रत्याशी हैं और उन्हीं को हम विजय बनाएंगे, जो हमारी सारी समस्याओं को समझते हैं और उन्हीं को हम विजय बनाएंगे फुल बहुमतों से और वही जीतेंगे। नहीं आपको क्या लगता है कि मतलब जो इतने सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और सब दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरे, तो आपको क्या लगता है कि सीमा किरसाली किस हिसाब से यहाँ पर जीत सकती हैं? उनका जो है कार्य जो उन्होंने किया है यहाँ क्षेत्र में और करते आ रहे हैं, तो हम इस विषय में ये बोलना चाहेंगे कि सबसे बड़ी विजय हमारी है, सीमा किरसाली की विजय है और सीमा किरसाली हमारे साथ तन मन धन से और सब चीज़ों से हमारे साथ हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, और उन्होंने विजय होना है और उन्हें को हमने अपना मत बहुमूल्य मत देना है। पार्टी प्रत्याशी जीतने की संभावना है कांग्रेस पार्टी से। अच्छा तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि कांग्रेस प्रत्याशी जीतने की संभावना है जबकि बहुत दिग्गज खड़े उठे हुए हैं? क्योंकि बहुत दिन से जो है कोई पार्टी का जो है जीता नहीं है, अब तो कांग्रेस पार्टी का ही जीतेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही इस समय बाजी मारेगी? जी हाँ कांग्रेस पार्टी मारेगी। निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की? आपको क्या मतलब आपको लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीतने की संभावना है? बिल्कुल कोटी से मतलब कोटी से क्या लगता है आपको कि टोटल वोट निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ सकती है? ना थोड़ा बीजेपी में मतलब मिला जुला है। एक्चुअली यहाँ पर आज तक ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो इस उससे हम यही सोच रहे हैं कि निर्दलीय की सीट निकलेगी यहाँ से। निर्दलीय क्या लगता है आपको कि कोटी ज़्यादा वोट पड़ने की संभावना है? जी यहाँ से तो निर्दलीय जीतने की ज्यादा संभावना। अच्छा निर्दलीय के आपको कोटे से लगता है कि निर्दलीय जीतने की संभावना है? जी सर कोटे से जो है निर्दलीय जीतने की ज्यादा संभावना है। पार्टी प्रत्याशी जीतेगा? नहीं आपको क्यों लगता है ऐसे कि पार्टी प्रत्याशी ही जीतेगा? पार्टी का बहुमत है, वैसे भी इस टाइम बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का बहुमत है सारे में। अच्छा तो आपको लगता है बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा? बिल्कुल पार्टी का तो पक्ष ज्यादा रहेगा। नहीं आपको क्या लगता है कि पार्टी मतलब किस हिसाब से यहाँ पर जो है पक्ष मजबूत रहेगा पार्टी का? पार्टी तो निर्दलीय है। आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब किस हिसाब से कि पार्टी आप लोगों के हिसाब से जो भी है अपने इधर उधर देखें मतलब आपको लगता है कि पार्टी का वोट पार्टी का ज्यादा रहेगा जो भी बोल वाला? देखिए निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टियों की बात अलग अलग होती है। देखो राष्ट्रीय पार्टियाँ यहाँ पर दो ही पार्टियाँ हैं कांग्रेस और बीजेपी, और निर्दलीय यहाँ पर अन्य बहुत सारे दो चार लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यहाँ ऐसा है कि हमें राष्ट्रीय पार्टी के नेता को चुनना चाहिए, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं बाद में, और दामन थामने के बाद भी क्या होता है कि उन लोगों को एकदम से उनकी बातों को पार्टी नहीं समझ पाती है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि यह हमारे एक समर्पित सिपाही नहीं है। लेकिन जबकि राष्ट्रीय पार्टी के अगर नेता को हम चुनते हैं तो हम राष्ट्रीय पार्टी के नेता को चुनने के बाद हमारे काम हमारे विकास की संभावनाएं हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं उनको उनका समाधान करने का ज़्यादा हमारे पास संभावनाएं होती हैं। और राष्ट्रीय पार्टियों की बात जहां तक है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को ही चुनना चाहिए जहां, और उसमें भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किस पार्टी को हमें चुनना चाहिए, लेकिन जो लोगों को लगे जिसमें लोगों को अपनी उम्मीदें लगे लोगों की कि हाँ ये पार्टी हमें हमारा विकास कर सकती है, तो हमें उस पार्टी को विजयी बनाना चाहिए। और
एक अनुभवी नेता हो, एक जानकार नेता हो, एक नेता की कोई जान और पहचान हो वहाँ पर शहर में, जान पहचान हो, लोगों के साथ उठना बैठना हो, आगे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पहचान हो, उस व्यक्ति को हमें नेता चुनना चाहिए। तक के हिसाब से तो निर्दलीय लग रहा है जो भी जीतेगा। अच्छा, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि निर्दलीय जीतेगा यहाँ पर? भाई लोगों को, पार्टियों को थोड़ा तंग भी आ गए हैं ना। अच्छा, आपको लगता है कि निर्दलीय जीतेगा? ऐसा लगता है, उम्मीद है बस, बाकी हम कुछ नहीं पूछ सकते। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक हमारा मानना है, आज तक जो है टिहरी में जो भी नगर पालिका चुनाव लड़ा है, या तो वो निर्दलीय ही ज़्यादातर रहे हैं, और उनके जो हैं कार्य को देखते हुए लोग ज़्यादातर निर्दलीयों के पक्ष में ज़्यादा वोट कराए हैं। और जो मेरा मानना है, जो अच्छा कार्य करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो शहर में कई समस्याएं होती हैं उनकी बात करेगा, तो वही चुनाव जी सकता है। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सेमवाल जी, स्वर्गीय राकेश सेमवाल जी, जिन्होंने अपने कार्य के बूते शहर में एक अपना अच्छा दबदबा बना दिया था, ऐसा ही कोई अच्छा कार्य करने वाला प्रतिनिधि अगर आता है तो शहर का विकास होगा, हम भी उसके उनके साथ ही रहेंगे। तो ये चाहते हैं जो शहर का भला करे और इस शहर के लिए ईमानदारी से काम करे। अब पार्टी वार्टी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पार्टियाँ जितनी भी हैं वो हमेशा नकारा ही साबित हुई हैं। यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, कोई पार्टी बीच में नहीं आई, अतिक्रमण का जो यहाँ पर नुकसान हुआ लोगों को, ठीक है ऑथेंटिक बातें हैं, कुछ चीज़ें कानून है वो तो करता रहेगा, लेकिन नगर पालिका का बनकर व्यक्ति ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो शहर के भले के लिए काम करे। शहर से पलायन वैसे भी ज़्यादा हो रहा है, तो अब राष्ट्रीय दलों का तो कुछ कह नहीं सकते कि कैंडिडेट है लोग, क्योंकि लोगों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों जनता के बीच की बात कर रहा हूँ। जनता क्या चाहती, जनता चाह रही थी कि जो ये पार्टी के जितने भी मतलब कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं वो शहर से उनको कोई मतलब नहीं है, वो बाहर से आ रखे हैं, इसलिए निर्दलीय की तरफ रुझान पर ज़्यादा है। अब वो किसका है वो व्यक्तिगत रूप से तो कुछ कह नहीं सकता हमारा, क्योंकि एक तो एक वोट तो सीक्रेट होता है, वो भी हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ देंगे। अभी रुझान का हमें खुद नहीं मालूम, हम खुद कन्फ्यूज हैं कहाँ देना है, फिर भी हम कैंडिडेट देख रहे हैं जो शहर के भले के लिए हो उसको। ठीक है।